ये जो है वो मेरी ही गलती है, और ये मेरी ही गलती है, ये मेरी गलती भाई साहब। अब मैं अपनी गलती जो है मान लेता हूँ, मैं अपनी गलती का दोष दूसरों पे नहीं लगाता हूँ। नमस्कार, शर्मा टेक्निकल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और लॉकडाउन कैसा चल रहा है आप लोगों का, बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। और लॉकडाउन से आपको जो है वो क्या कुछ सीखने को मिला, वो ज़रूर से अपना जो है एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। कमेंट पढ़ता हूँ मैं और लाइक भी आपको दूंगा। और व्यू कैसा लग रहा है पीछे का, देखकर काफ़ी अच्छा लग रहा होगा मुझे, ऐसी पूरी उम्मीद है कि पॉल्यूशन ख़त्म हो गया, तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो दूर दूर तक जो है वो दिखाई दे रही हैं, आपको भी दिखाई दे रही होंगी। मुझे यहाँ से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर दिखाई दे रहा है, मुझे यहाँ से स्टैचू ऑफ लिबर्टी दिखाई दे रहा है। ओहो कण तक रहे, 1+8 की बात करने आए यहाँ पर। तो भैया, 1+ ने जो है वो अपने फ़ोन्स 8 और 8 प्रो की प्राइसिंग जो है वो अनाउंस कर दी है, और उन्होंने कहा था कि डोंट गो विद द डॉलर्स, यानी कि डॉलर प्राइसिंग में मत जाओ। इंडिया वाले हैं, हिंदुस्तानी लोग हैं, हम रुपया में जो है वो बात करेंगे। तो ऑफिशियल प्राइसिंग यहाँ पर जो है आ गई है 1+8 और 8 प्रो की। और काफ़ी लोगों से हमने यहाँ पर पूछा इंस्टाग्राम के पोल में, तो काफ़ी लोगों ने बोला कि नहीं जी, प्राइस जो है वो अभी भी उनको महंगी लग रही है। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, हम अपनी बात शेयर करते हैं। तो 1+8 जो है वो 3 वेरियंट में आएगा यहाँ पर, 6 GB, 8 GB और 12 GB। 6 GB और 8 GB जो है 128 GB की स्टोरेज के साथ में आएंगे, और जो 12 GB है वो 256 GB की स्टोरेज में यहाँ पर मिलेगा। जो प्राइसिंग स्टार्टिंग यहाँ पर रखी है वो 41,990, यानी कि लगभग 42,000 रुपये, 42,000 रुपीज़ में आपको ये वाला फ़ोन मिलता है 1+8 5G। और जो 1+8 प्रो है उसकी जो प्राइसिंग है वो 55 और 60 है, 8 GB, 12 GB, 128 और 256 GB के ऑप्शन के हिसाब से। ये पोल आपको यहाँ पर दिखाई रहा हूँ मैं, जिसमें 62% लोगों ने बोला कि भैया महंगी है। देखो 1+8 प्रो जो है उसकी तो प्राइस यहाँ पर महंगी है, ये मान के चलेंगे। अगर आप सीधे सीधे 1+7 प्रो से या फिर 7T प्रो से या किसी से भी कंपेयर करोगे तो आपको पता चल जाएगा, इवन यहाँ पर सैमसंग के फ़ोन जो हैं उनसे भी कंपेयर करोगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ यार, जो स्पेसिफिकेशन है उसके हिसाब से यहाँ पर महंगी दी गई है। तो 1+8 के अंदर आपको जो है जो 42,000 रुपये वाला फ़ोन है वो 6 GB 120 GB मिलेगा, लेकिन सिर्फ ग्लेशियल ग्रीन ऐसा जो है वो कुछ कलर है उसके अंदर मिलेगा। इसके अलावा बाकी जो कलर हैं वो आपको 55 नहीं 55 नहीं मतलब 45 44 999 शुरू होंगे, और जो सबसे महंगे वाला फ़ोन है वो 50,000 रुपये का मिलेगा। अब बात करते हैं यहाँ पर यार स्पेसिफिकेशन की। अगर आपको लगता है कि 1+8 की प्राइस अच्छी है, जी हाँ, आप बोलोगे शर्मा जी हृदय परिवर्तन कैसे हो गया, 1+ ने पैसा भेज दिया क्या? जी हाँ, 1+ ने जो एक पेटी भर के पैसा भेज दिया है, और बस अभी बैंक में आए हैं मेरे। तो मैं अब तारीफ़ करनी बनती है ना, आप लोगों को ऐसा लगता होगा, कुछ कुछ लोगों को ऐसा लगता होगा, लेकिन पूरी वीडियो देखने वाले को पता लग जाएगा कि पेटी किसको मिली और किसको नहीं मिली है। 1+8 अगर आप वास्तव में लेना चाहते हैं, मतलब आप 1+ के फ़ैन हैं, उनकी क्वालिटी, उनकी जो बिल्ड क्वालिटी वो अच्छी लगती है। 1+8 की प्रॉब्लम सिर्फ दो हैं। पहली प्रॉब्लम ये कि सर्विस की जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है, यानी कि रिपेयर कॉस्ट बहुत महंगी है, मेरा मेन वही कंसर्न होता है। उसके अलावा मैं 1+ का एक डाई हार्ड फ़ैन रहा हूँ 1+1 से। अब यार हर बार क्यों बताता हूँ मैं, शायद धमाके, वो देखिए आपने भगत सिंह कि किसी को नींद से जगाने के लिए धमाके की ज़रूरत होती है, तो धमाके करता रहता हूँ मैं, लेकिन लोग नींद से जागते नहीं हैं। वो जो मैंने फ़ोन दिखाया शुरू में वो 1+7T था, मेरा ही था, वो पूरा टूटा हुआ फ़ोन है। कुछ लोग कह रहे थे जब मैंने फ़ोटो लगाई थी इंस्टाग्राम पे कि इसमें जो फ़िल्टर लगाया, ये लगाया, अरे भाई साहब वो मेरी ही गलती थी, मैंने उसको फेंक के मारा था और वो टूट गया। और 38,000 रुपीज़ का फ़ोन या 39 जितने का भी है, मुझे बिल्कुल भी मन नहीं है उसको 50,000 रुपये दे के ठीक कराने का। इससे बढ़िया तो 50,000 दे के मैं 1+8 प्रो या 1+8 ना ले लूँ, क्यों 5G वाला। तो ये कहानी है ऑनिक्स ब्लैक, ग्लेशियल ग्रीन और इंटरस्टेलर ग्लो। यार ये इंटरस्टेलर मतलब नाम तो आप समझ ही लो यार क्या क्या रखते हैं। तो जो इंटरस्टेलर ग्लो है वो एक्चुअली में पिंक कलर का है, मतलब फोटो जो दिख रही है इनकी 1+ की वेबसाइट पर वो पिंकिश लग रहा है। तो अगर लड़कियों को वो फ़ोन लेना है तो पिंकी टाइप का फ़ोन ले सकते हैं, अगर आपको गिफ्ट करना है किसी लड़की को तो पिंकी टाइप का फ़ोन आप जो है वो गिफ्ट, मतलब पिंक कलर का फ़ोन गिफ्ट कर सकते हो। डोंट ऑब्सेस, पिंकी को नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं यहाँ पे। 6.55, 6.55 जो नीचे एरिया है वो इतना फ्लैट नहीं है, तो भैया चक्कर आते रहते हैं, ठीक है ना। बाकी जो बिल्डिंग है वो भूकंप प्रूफ है, मतलब अर्थ क्वेक प्रूफ है, ऐसे कुछ बोला गया है। तो लगभग 6.5 इंच, 6.5 इंच की स्क्रीन दी गई है, फुल एच डी प्लस वाली है, पंच होल कैमरा है, 90 हर्ट्ज़ की रिफ्रेश रेट है, एमोलेड है, गोरिल्ला जैसी प्रोटेक्शन है, डूल फ्रंट फायरिंग स्पीकर है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है, स्नैपड्रैगन का 865, क्या 865 स्नैपड्रैगन का अभी तक का लेटेस्ट प्रोसेसर आपको मिल जाता है। DDR4X वाली रैम है, 3.0 है,
कार सपोर्ट यहाँ पर नहीं है, वाईफाई 6 आपको मिलेगा इसके अंदर, और जो कैमरा है वो भी आपको ट्रिपल दिया है, 48 2 मेगापिक्सल, 16 मेगापिक्सल और 16 मेगापिक्सल की सेल्फी। तो कैमरा में यहाँ पर मतलब कंपटीशन के साथ जाओगे तो दो ही मोस्टली कंपटीशन है आपको लेटेस्ट में दिखेंगे। लेटेस्ट में दिखेंगे क्या मतलब कह लो, तो एक S10 Lite है, मतलब S10 Lite 1 साल पुराना, चलो छोड़ो, X50 Pro रियलमी का, मतलब रियलमी के हिसाब से 40,000 रुपये साहब, कहाँ कहाँ रियलमी और मतलब कहाँ वन प्लस, है ना, समझ रहे हो मेरे कहने की बात, समझ गए हो सब, होशियार लोग हो आप, ठीक है। बैटरी जो है 4300 mAh की है और वायरलेस चार्जिंग जो है वो इसमें आपको नहीं मिलती है। हाँ वॉट चार्जिंग मिलती है, 30T बोले तो 30W की टर्बो चार्ज वाली जो है फैसिलिटी दी गई है। बस यहाँ पर जो खेल है वो वन प्लस 8 की प्राइसिंग का है, मतलब जो प्राइसिंग है वो US से भी जो है वो यहाँ पर कम रखी गई है, और इंडिया की प्राइस देखते ही US वाले पागल हो गए, क्यों भैया हम कोई लूटने के लिए बने हो क्या? तो भैया चाइना वाले US को और US वाले चाइना को आपस में ब्लेम करते रहते हैं, और इंडिया वाले जो है मज़े कर लेते हैं, क्या करते हैं मज़े करके निकल जाते हैं, कैसे देख लो ना भाई साहब, 42,000 की प्राइस यहाँ पर मिलेगी, एक ही मॉडल मिलेगा, लेकिन टेक्निकली यहाँ पर वन प्लस ने जो है वो दिमाग पे लोगों के एक असर डाल दिया है। मैंने जब प्राइसिंग देखी तो मैंने कहा अरे वाह 42,000 रुपये की प्राइसिंग कमाल कर दिया, लेकिन जब खोजबीन की रिसर्च करी तो पता लगा कि सिर्फ एक ग्रीन कलर का जो कलर है, मतलब एक ग्रीन कलर का जो फ़ोन है वो मिलेगा 42,000 रुपये का, और वो भी अगर आप OnePlus.in इंडिया वाली जो साइट है वहाँ पर जाकर देखोगे तो वो अवेलेबल ही नहीं दिखा रहा, ऑप्शन दिखा ही नहीं रहा है। तो फिर मैंने सर्च करी, मैं भाई खबर झूठी तो नहीं है, फिर जाके देखा अमेजोन पे, तो अमेजोन में दिख रहा है भाई साहब 41,999, लेकिन जब वो सेल शुरू होगी, अभी 3 मई बहुत दूर है, मतलब 4 मई लगा लो, 4 मई बहुत दूर है, 13-14, 12-13 दिन पड़े हैं, तब तक क्या होगा वो पता नहीं, लेकिन अगर आपको ग्रीन कलर का फ़ोन पसंद है, मतलब मान लो पसंद है तो आप ले सकते हो, और अगर आपको पसंद नहीं है तो क्या करोगे, तो ब्लैक वाला लोगे 55,000 का, या फिर वो चमकीले वाला ग्लो वाला लोगे 50,000 रुपये का। अगर आप सोचते यार 50,000 रुपये का लूँगा तो मैं 5,000 रुपये डाल के वन प्लस 8 Pro ले लूँ, है ना, तो वो भी कहानी है। तो यहाँ पर वन प्लस की जो प्राइसिंग है वो सिर्फ दिमाग को इफेक्ट करती है कि अच्छी प्राइसिंग है, लेकिन अगर आप थोड़ा सोच विचार करो 45,000 रुपये से टेक्निकली शुरू होगा वन प्लस 8, अगर आपको हरा रंग पसंद नहीं है तो, मतलब जो भी है ग्लेशियल ग्रीन जो भी, मतलब समझ गया ना हमारी बात, तो 45,000 रुपये से प्राइसिंग ठीक है। अब ज़्यादा बैंड क्या बजाएं, मतलब पैसे मिल गए अपने को, मतलब पूरी आ गई घर पे, मतलब बैंक अकाउंट में आ गया, टिंग योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड, टिंग 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 टिंग, इतने लाख रुपए के साथ, समझ रहे हो ना मेरी बात को, समझ रहे हो आप लोग, तो समझ आ रहा सारे के सर, है ना। बस और क्या बोलें वीडियो में, बस यही है कि वन प्लस ने जो है वो आपके दिमाग के साथ जो है वो खेल किया है, और जो प्राइसिंग है वो यहाँ पर खेल गया है, वो मतलब खेल गया, सही खेल गया है। ये देखो ये जो है वो टूटा हुआ है, मैं आपको दिखाऊँ क्या, कर ले बेटा फोकस, कैमरा कर ले फोकस, ये देखो अगर मैं यहाँ झड़काऊँगा ना तो कुछ ये निकलेंगे बाहर के कांच के टुकड़े हैं, और मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है इसको ठीक कराने का। मैंने कहा इसको तो मैं जो है मोमेंट, मतलब क्या कहते हैं, फ्रेम व्रेम करवा के रखूँगा, आज से 5-10 साल बाद में जो है वो दिखाऊँगा कि देखो ऐसे फ़ोन भी आते थे जो हाथ लगाते टूट जाते थे, गिरते ही टूट जाते थे, और आगे की स्क्रीन भी उनकी हो जाती, ये चालू होता सब कुछ होता है, लेकिन भैया इसकी जो क्या कहते हैं आँखों देखने की शक्ति है ना वो ख़त्म हो गई, मतलब डेड हो गया ना यार, बकवास बहुत कर रहा हूँ ना आजकल। अच्छी लग रही है क्या तो बताना, नहीं लग रही है तो जाने देंगे, ठीक है ना। इस वीडियो में इतना ही, बाकी आप व्लॉग्स देख रहे हो क्या हमारे शर्मा जी इन्फिनिटी के ऊपर, अगर आप देखना चाहते हो व्लॉग्स तो ज़रूर से जाके देख सकते हो, लिंक दिया वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ऊपर कार्ड्स में, यहाँ पर क्या बोलते हैं उसको एंड स्क्रीन के अंदर जगह दिया है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ और बोलते रहिए भारत माता की जय।